नमस्कार, आज हम आपको कुछ प्लांट्स के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए हम शेगलादेव नेशनल पार्क में गए, तो रास्ते में हमें यहाँ आप देख सकते हैं ये मंकी मिले। एक बार तो हम देख के घबरा गए थे क्योंकि ये बहुत सारे थे, क्योंकि ये रीसस मकाक होता है और ये बहुत ही अग्रेसिव मंकी होता है। आज हम ये देखिए, हमें फाइनली एक प्लांट मिला है, बासा बोलते हैं इसको। और ये येलो कलर का जो फ्लावर आपको दिख रहा है इसमें, ये मेडिसिनल प्लांट है। इसमें आप ये कांटे देख सकते हैं, पत्तियां तो बहुत ही कम दिख रही हैं और इसकी जो हाइट है वो 3 से 3.5 फीट के आसपास होती है। इसमें आपको जो येलो कलर का फ्लावर आ रहा है आते हुए दिख रहा है, ये कफ खांसी के काम में आता है। कितनी भी पुरानी खांसी हो तो इससे ख़त्म हो जाती है। शहद के साथ आप इस फ्लावर्स को ले सकते हैं, अगर आपको बहुत पुरानी खांसी है तो शहद के साथ, नहीं तो ऐसे ही आप फ्लावर अगर खाते हैं तो आपकी खांसी चले जाएगी। बेहतरीन आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये खांसी के लिए। और ये देखिए, ये भी इसी का एक स्पीशीज है। तो इसमें आपको अगर कहीं दिखे तो इसकी पहचान करने के लिए वाइट कलर का फ्लावर आता है। और ये इसकी जो हाइट है वो करीब 5 से 5.5 फीट के आसपास हो जाती है। और इसकी पत्तियाँ बहुत ही लाभदायक होती हैं। इसकी पत्तियों को 1 लीटर पानी लेके उसमें कुछ 20 से 25 पत्तियां डाल के उसको गर्म कीजिए, तो ये जब 0.5 लीटर पानी रह जाए इसमें, उस पानी को आप आपके चोट और कसर कहीं पे भी होती है उस पर डालिए, सूजन भी इससे ख़त्म हो जाती है। 8 से 10 दिन आप रेगुलर अगर इसका सेक करते हैं इसके गर्म पानी से, गुनगुने पानी से। और इसकी पहचान के लिए ये येलो सॉरी वाइट कलर का फ्लावर होता है, गौर से देख लें इसे। और मैं फिर बताऊंगा आपको इसकी पत्तियां काम आती हैं। तो ये तीसरा हुआ मिसवाक, ये तो नाम आपने सुना ही होगा। इसमें जो फल लगा हुआ है इसे पीलू बोलते हैं। और ये इसको अगर आप रेगुलर खाते हैं तो मुंह से जो दुर्गंध आती है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसकी जो स्टिक दिख रही हैं, इसको आप ब्रश बना के और दांतों को साफ करेंगे तो कितनी भी पुरानी से पुरानी पायरिया हो, कैसे भी स्मेल आती हो, दांतों से खून निकलता हो, सारी बीमारी इससे ख़त्म हो जाती हैं। कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो थोड़ा लंबा यूज करना पड़ेगा आपको। इस तरीके की स्टिक होती है, थोड़ी सॉल्टी होती है, अगर आप इसकी ब्रश करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे जो वीडियो है वो आपके पास आती रहेंगी और हम इसी तरह आपको बताते रहेंगे। तो चलो लास्ट में हमने एक इंटरटेनमेंट के लिए एक बर्ड मिला जिसकी फ़ोटो इसमें डाल दी, सॉरी वीडियो डाल।